जात देखता है, ना ओहदा, ना उम्र, ना चेहरा, बस प्यार हो जाता है। लेकिन बहुत बार प्यार के कारण परिवार तबाह हो जाते हैं। पहले पहले नहीं लगता है, लेकिन सालों बाद लगता है कि वो प्यार नहीं था, एक गलती थी। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और एक मेरी गुजारिश भी है, आप पूरी वीडियो देखिएगा। मैं जो कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूं वो आप तभी समझ पाएंगे, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो मैं जिस प्यार की कहानी की बात करने जा रही हूं, उसमें दो किरदार हैं, मुलायम सिंह यानी कि मुलायम सिंह यादव यानी कि सपा के मुखिया, साधना गुप्ता। एक और किरदार है इस प्यार की कहानी में, प्रतीक गुप्ता, जिसकी पत्नी अर्पणा ने अभी दो दिन पहले ही बीजेपी का दामन थामा है। राजनीति के सबसे दिग्गज नेता मुलायम सिंह का घर इस समय बिखरता हुआ नजर आ रहा है। वो खुद महसूस कर रहे हैं कि उनकी बनी बनाई जो दुनिया है वो उजड़ रही है। मुलायम सिंह ने अपने आप को इतने बेबस कभी महसूस नहीं किया जितना अब वो अपने परिवार में मचे हुए घमासान को देख करके महसूस कर रहे हैं। एक तरफ उनका बेटा अखिलेश अपने चाचा शिवपाल के साथ उसकी तकरार चल रही है, ये तकरार नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है। दूसरी तरफ पार्टी के उठापटक भी बहुत हो रहे हैं। कुल मिला के जो सीन है बहुत मैस हुआ हुआ है, और इन सब की वजह जो है वो अखिलेश की सौतेली माँ है, यानी कि मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना। जाहिर सी बात है कि एक पुरानी प्रेम कहानी जो है इस समय सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि अर्पणा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अर्पणा कौन है और मुलायम सिंह की जो पत्नी है पहली, वो कौन है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अखिलेश यादव उस समय 9 साल के थे। उन्हें ना राजनीति का पता था, ना उन्हें ये पता था कि उनके पिता को किसी से इश्क हो गया है, या फिर यूँ कहिए कि इश्क का उन्हें ABCD नहीं मालूम था। तब वो अपने पापा के साथ खेलते थे और प्यार करते थे उन्हें बेहद, जिस तरीके से हर छोटा बच्चा अपने पिता को प्यार करता है। उस वक्त जो हो रहा था उसका जवाब उन्हें आज 40 साल बाद देना पड़ेगा, ये वो नहीं जानते थे। कल बीते दिन 19 जनवरी को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें किसी ने एक ये सवाल उनके सामने खड़ा कर दिया कि अर्पणा बीजेपी में चले गई हैं, क्या कहेंगे। वो कुछ इसका जवाब नहीं दे पाए थे, केवल उन्होंने यही कहा था कि उनको शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जो कहानी है ये शुरू होती है 40 साल पहले, यानी कि 1982 में। देश में कांग्रेस टूट रही थी और यूपी में पिछड़ा वर्ग, खास करके यादवों का जो दबदबा था, जो उनकी पावर थी, वो बढ़ रही थी। उन्हें उनके नेताजी मिल गए थे। जनता और पार्टी और नई उम्र की लड़कियां उस हसमुख चेहरे पे फिदा थी जिसका नाम मुलायम सिंह यादव है, जिसे आज नेताजी कहते हैं। एक रिसर्च भी ये कहती है कि भारत के जो मर्द हैं वो 35 और 45 के बीच में काफ़ी आकर्षक दिखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। हालांकि इसकी वजहें और भी बहुत हैं, उनका जिक्र करना जहां ज़रूरी नहीं है। तब समाजवादी पार्टी नहीं हुआ करती थी, राष्ट्रीय लोकदल था। औरैया के जिला बिदुना के रहने वाले कमलापति की 23 साल की बेटी राजनीति में कुछ करना चाहती थी। काफ़ी खूबसूरत थी, अच्छी गोलमटोल सी थी, काफ़ी स्वीट लगती थी उस समय देखने में। उनका नाम साधना गुप्ता था। उस लड़की को उस समय पता नहीं क्या क्या हुआ, ये केवल एक शख्स जानता था, और वो शख्स है अमर सिंह, जो आज हमारे बीच में नहीं है। शुरुआत में साधना और मुलायम की मुलाकातें होती मुलायम सिंह की माँ की वजह से, क्योंकि वो उस समय बीमार थी, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। और साधना ने लखनऊ के एक नर्सिंग होम के बाद सेफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए अपनी सेवाएं उनकी माँ को दी, जिनका नाम मूर्ति देवी था।
अचानक एक दिन एक घटना घटती है मूर्ति देवी के साथ। मेडिकल कॉलेज में एक नर्स मूर्ति देवी को एक गलत इंजेक्शन देने वाली थी। उसी समय साधना ने उसको टोका कि ये इंजेक्शन इन्हें नहीं दिया जाना। साधना की वजह से मूर्ति देवी की ज़िंदगी बच गई, यानी कि नेताजी की माँ की ज़िंदगी बच गई। वो इससे काफ़ी प्रभावित हुए और यहीं से उनके प्रेम की कहानी शुरू होती है। इसके बाद उनकी आपस में रिलेशनशिप होती है। अखिलेश उस समय स्टूडेंट हुआ करते थे, बच्चे थे, स्कूल में थे, और साल 1982 से 88 तक अमर सिंह इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्हें इस पूरी कहानी का पता था। लेकिन इसके बारे में वो कैसे मुंह खोलें? घर में उनका एक बेटा मुलायम सिंह का, उनकी पत्नी, कहें भी तो कैसे कहें, वो चुप लगा गए। लेकिन 1988 में कुछ चीज़ें एक साथ होती हैं। मुलायम सिंह यादव बिल्कुल सीएम बनने के मुहाने पे खड़े थे और उनके चारों तरफ उजाला ही उजाला था सफलता का। साधना अपने पति चंद्रप्रकाश गुप्ता से अलग रहने लगी थी, ये भी उसी साल की बात है, और उसकी गोद में एक बच्चा था, ये भी उसी साल की बात है, यानी कि 1988 की। और मुलायम ने अखिलेश को साधना से मिला दिया, ये भी उसी साल की बात है। अब साल 1988 में पहली बार मुलायम ने ही अखिलेश को जब साधना से मिलवाया तो वो उस समय 15 साल के थे। हालांकि अखिलेश यादव को उस समय साधना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जाहिर सी बात है। किसी भी उस उम्र के बच्चे को अपने पिता के साथ माँ की जगह कोई दूसरी महिला दिखाई दे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, यही भाव अखिलेश के मन में भी आए। खैर, एक दिन कुछ ऐसी घटना भी हुई कि साधना ने अखिलेश को थप्पड़ मार दिया और उसके बाद पिता ने अखिलेश को उस माहौल से बाहर निकाल दिया और उनको धौलपुर राजस्थान में पढ़ने के लिए भेज दिया। इस कहानी में एक और करेक्टर है जिसका नाम है चतुर्वेदी, विश्वनाथ चतुर्वेदी। इसकी एंट्री होती है एक हल्फनामे को हाथ में लिए हुए। ये हल्फनामा वो सुप्रीम कोर्ट में देते हैं और पूछते हैं कि जो पार्टी 1969 में जिसके पास केवल 69,000 रुपये थे, उसके पास आज करोड़ों की संपत्ति कैसे हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी और सीबीआई ने जांच शुरू की और 2007 तक पुराने सारे पन्ने खंगाले गए। एक नई रिपोर्ट तैयार होती है, उस सब में ये लिखा गया कि मुलायम सिंह की एक बीवी भी है, एक बच्चा भी है, आज से नहीं, ये 1994 से है। और 1994 में प्रतीक गुप्ता ने अपने स्कूल में परमानेंट रेजिडेंट जो लिखवाया है वो मुलायम सिंह का ऑफिशियल एड्रेस लिखवाया था। माँ का नाम साधना है, पिता का नाम MS यादव है, और 2000 में प्रतीक के गार्जियन के तौर पे मुलायम सिंह का नाम दर्ज है। 23 मई 2003 में मुलायम सिंह ने साधना को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। सच तो ये है कि सही तरीके से साधना मुलायम की ज़िंदगी में आती हैं 1988 में, और अगले ही साल मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम हो जाते हैं। इसी से वो साधना को काफ़ी मानने लगते हैं और पूरे परिवार को ये वाली बात पता थी लेकिन कोई बोलता नहीं था। अब धीरे धीरे वो प्रेम कहानी जो है सबके सामने आ रही है। और उसके बाद 2007 में मुलायम ने अपने खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति वाले केस में सुप्रीम कोर्ट को भी एक शपथ पत्र दिया। मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली उसने, मुलायम सिंह ने उस शपथ पत्र में क्या लिखा। वो लिखते हैं कि मैं स्वीकारता हूँ कि साधना गुप्ता मेरी पत्नी है और प्रतीक मेरा बेटा है। अब समाजवादी पार्टी का एक और उत्तराधिकारी पैदा हो गया उनके ये कहने के साथ ही। लेकिन अभी कहानी का अंत यही नहीं था। अखिलेश अपने पिता से काफ़ी नाराज थे और मुलायम ने अकेले लड़ाई लड़के विधानसभा चुनाव जो 2012 में हुआ था वो जीता, और जीत करके गद्दी जो है उन्होंने अपने बेटे को दे दी। अब
जनवरी को जब साधना की बहू अर्पणा यादव ने बीजेपी को ज्वाइन किया, तब लोगों ने पूछा कि क्या अखिलेश सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अखिलेश ने सिर्फ इतना ही कहा कि उनको मेरी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो 40 साल पहले की जाती हैं, लेकिन उनके जवाब उनकी संतान को बाद में देने पड़ते हैं। आप इसे अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन ये प्यार की बात थी जो आज उनके बेटे अखिलेश को इस तरीके से प्रेस के सामने जतानी पड़ी। कंटेंट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी के साथ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना काल में नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। सावधानी की बहुत ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।